दोस्तों अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो आप अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए हुए फोटो वीडियो को बिना डिलीट किए हुए उसको हाइड कर सकते हैं। दूसरा ट्रिक दोस्तों, इंस्टाग्राम पर आप किसी का भी मैसेज पढ़ो बिना उसको सीन करवाए हुए। तीसरा ट्रिक दोस्तों, इंस्टाग्राम की स्टोरी में आप कितना भी आप अपने 10, 20, 100, 200 फोटो अपना ऐड कर सकते हैं और उसे दूसरे को दिखा सकते हैं। चौथा ट्रिक दोस्तों, इंस्टाग्राम आप किसी से भी चैटिंग करते हैं तो इंटरेस्टिंग इमोजी और इंटरेस्टिंग चैटिंग कर सकते हैं, जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पांचवा, इंस्टाग्राम के फॉलोअर को कैसे बढ़ा सकते हैं, बहुत ज़्यादा बहुत जल्दी आप इंस्टाग्राम के फॉलोअर को कैसे बढ़ा सकते हैं। और लास्ट दोस्तों, इंस्टाग्राम के आप किसी का भी डीपी स्टोरी को अपने फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हैं, किसी का भी स्टोरी को देख सकते हैं बिना उसको सीन करवाए हुए कि आपने उसका स्टोरी देखा है। तो दोस्तों आज के वीडियो में आप समझ गए हैं कि मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, इंस्टाग्राम से रिलेटेड 5 इंटरेस्टिंग ट्रिक, 5 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आज के वीडियो में मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों मैंने अपना इंस्टाग्राम ओपन कर लिया। अब दोस्तों पहले तो ये है कि आप किसी भी अपना इंस्टाग्राम पे कोई भी फोटो या वीडियो को या कोई भी पोस्ट को अपलोड किए हैं उसको बिना डिलीट किए हुए आप हाइड कर सकते हैं, मतलब उस फोटो को वीडियो को केवल आप देख सकते हैं और कोई नहीं देख सकता। ऐसे लोग क्या करते हैं, उसको डिलीट कर देते हैं, लेकिन आप डिलीट किए बिना उसको हाइड कर सकते हैं, वो कोई आपका फोटो वीडियो नहीं देख सकता। तो उसके लिए दोस्तों क्या करना पड़ेगा, अपने यहाँ पे जो आपका प्रोफाइल है उस पर क्लिक करें। उसके बाद दोस्तों जितना आपका फोटो है वीडियो है यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। अब जैसे उसको किसी को आपको हाइड करना है, मतलब किसी को शो नहीं करना है, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए मेरा ये फोटो है, इसको मैं हाइड करना चाहता हूँ। तो इस पर मैं क्लिक किया, ऊपर 3 लाइन बिंदु दिया है दोस्तों, 3 डॉट है किनारे में, उस पर मैं क्लिक करूँगा। उसके बाद एक ऑप्शन मिलेगा आर्चीव का, AR 4 नंबर पर देखिए ऊपर से ARCHIV क्लिक करूँगा। ये देखिए दोस्तों मेरा फोटो हाइड हो गया। अब ये फोटो आपको मेरे प्रोफाइल में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों देखिए ये मेरा फोटो हाइड हो चुका है। अभी दोस्तों बात काम खत्म नहीं हुआ। अब इस दोस्तों को आपको अनहाइड कैसे करना है, सिंपली से ऊपर 3 लाइन दिया हुआ है किनारे में, 3 लाइन पर आपको क्लिक करना है। नीचे आर्चीव का एक ऑप्शन दिया है, वहीं से आर्चीव पे क्लिक करना है। आर्चीव पे क्लिक करने के बाद फिर से आपका वो फोटो आ जाएगा। ऊपर देखिए पोस्ट आर्चीव का एक ऑप्शन है, पोस्ट आर्चीव पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे स्टोरीज आर्चीव, पोस्ट आर्चीव, लाइव आर्चीव, तो आप सिंपली से पोस्ट आर्चीव बीच वाला पे क्लिक करेंगे, वो आपका फोटो यहाँ पे आ गया। दोस्तों इस फोटो पे आप क्लिक करेंगे, इस फोटो पे क्लिक करने के बाद ऊपर 3 लाइन डॉट दिया हुआ है, 3 बिंदु पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे शो ऑन प्रोफाइल का ऑप्शन है, शो ऑन प्रोफाइल पे क्लिक कर देंगे, ये आपका फोटो मतलब प्रोफाइल में चला जाएगा। देखिए दोस्तों ये फोटो, फिर से मैं पेज को यहाँ से रिफ्रेश करूँगा, पेज को फिर से मैं यहाँ पे बंद करूँगा, फिर से प्रोफाइल पे आऊँगा तो फिर दोस्तों ये प्रोफाइल मेरा यहाँ पे आ जाएगा। देखिए दोस्तों ये मेरा फोटो जो है यहाँ पे शो होने लगा। दूसरा ट्रिक है दोस्तों कि किसी का भी आप मैसेज पढ़ सकते हैं बिना उसको शो करवाए। आपसे आपके पास कोई मैसेज बंदा भेज रहा है तो आप उसको मैसेज को आराम से धैर्य रखकर बैठ के शो कर पढ़ो और उसको सीन भी नहीं होगा, उसको दिखेगा भी नहीं कि आपने उसका मैसेज पढ़ा। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, आपको सर्च में जाना होगा और जिस बंदे का आप चाहते हैं कि उसका मैसेज पढ़ो उसको शो ना करो, उसको ढूंढ के निकालना पड़ेगा। तो उस बंदे का यहाँ पर नाम लिख दीजिए जिस बंदे को, तो मैं दोस्तों एक इनका ले लेता हूँ इसका। अब दोस्तों मैं चाहता हूँ कि मेरे पास मैसेज पढ़े तो इसका मैं मैसेज पढ़ूँ लेकिन इसको शो ना हो कि मैंने इसका मैसेज पढ़ा। तो सिंपली से उसका प्रोफाइल आपको निकाल लेना है इंस्टाग्राम में सर्च करके, ऊपर 3 लाइन दिया है, 3 लाइन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट का एक ऑप्शन दिया है दोस्तों, रिस्ट्रिक्ट पर आपको सिंपली से क्लिक कर देना है। उसके बाद बात खत्म। अब ये बंदा आपके पास कितना भी मैसेज करेगा तो आप उसका मैसेज आराम से धैर्य रखकर बैठ के पढ़िए, उस बंदे को पता नहीं चलेगा कि आपने उसका मैसेज पढ़ा है। दोस्तों रिस्ट्रिक्ट करने से एक और फायदा है, अगर आप कुछ फोटो वीडियो या कुछ भी पोस्ट को अपलोड कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे और ये बंदा आपके फोटो पे वीडियो पे कोई भी गंदा कमेंट करता है, कोई भी फेक कमेंट करता है, तो दोस्तों वो कमेंट केवल आप ही को दिखेगा और उस बंदे को दिखेगा जो कर रहा है, ना ही बाकी लोगों को, किसी को नहीं दिखेगा कि उसने फेक कमेंट, गंदा कमेंट किया है। तो रिस्ट्रिक्ट करने का ये 2 फायदा दोस्तों। अब इसको चाहते हैं कि नहीं भाई अपना दोस्त है चलो इसको निकाल दो, कितना देर रिस्ट्रिक्ट रखेंगे, तो सिंपली से ऊपर 3 लाइन पर क्लिक करेंगे, फिर से अनरिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन आ जाएगा, अनरिस्ट्रिक्ट पर क्लिक करेंगे, बात खत्म। तीसरा टिप्स ट्रिक है कि आप ये दोस्तों ट्रिक नहीं है, एक हैक तरीका है, कि ये हैक्स है। पहले ये केवल iOS पर था, मतलब एप्पल के डिवाइस पर था, लेकिन अब ये एंड्रॉयड पर भी आ गया, पहले उससे भी पहले था, लेकिन दोस्तों उसके लिए आपको अलग से कोई एप्लीकेशन, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ता है, लेकिन अब आप दोस्तों इंस्टाग्राम में ये फीचर आ चुका है। तो उसके लिए दोस्तों ये मानिए तो एक अच्छा खासा अपडेट है इंस्टाग्राम में। तो उसके लिए दोस्तों क्या करना है, स्टोरी में आप कितना भी अपना फोटो लगा सकते हैं इंस्टाग्राम की स्टोरी में, आप सॉन्ग लगाते होंगे, रील लगाते होंगे, गाना लगाते होंगे, लेकिन अपना फोटो 10, 20, 100, 500 फोटो लगा सकते हैं। कैसे दोस्तों बताता हूँ, सबसे पहले अपना जो ये आपका प्रोफाइल है उस पर क्लिक करेंगे, ऊपर आपको प्लस का आइकन दिख रहा है, जैसे आप स्टोरी लगाते हैं सिंपली से आपको इसी पर चल जाना है, प्लस पे जाएंगे, फिर से अपने स्टोरी पे जाएंगे। अब दोस्तों मैं स्टोरी यहाँ पे ऐसे लगाता हूँ,
तो जैसे आपको स्टोरी लगाना है आप वहाँ पर चल जाएंगे। फिर यहाँ पे आपका देखिए मैं आप एक ब्लैक कलर का चाहे व्हाइट चाहे प्लेन कुछ ले लीजिएगा बैकग्राउंड। देखिए दोस्तों मैं इसको ले लिया और इसको मैं जूम कर देता हूँ दोनों उंगली से अपना ऐसे जूम कर दिया दोस्तों। अब ऊपर देखिए एक स्टिकर का ऑप्शन दिख रहा होगा, बहुत सारा ऑप्शन है डाउनलोड स्टिकर का ए लिखा हुआ है लेटर का, तो उसके बगल में स्टिकर का ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों नीचे तो यहाँ पर देखिए प्लस का एक कैमरा दिया हुआ है, कैमरा के बगल में प्लस का आइकन दिया हुआ है दोस्तों गैलरी टाइप का प्लस का, तो सिंपली से प्लस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों ये मेरे फोन में जितना फोटो अभी फिलहाल इतना ही फोटो है, आपके फोन में तो बहुत सारा होता है, आपको उसको क्या करना है एक फोटो को मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर इसको जूम करता हूँ थोड़ा सा उंगली से दोनों को जूम करता हूँ, मतलब जूम नहीं दोस्तों छोटा करता हूँ उंगली से जैसे आपको छोटा कर लेना है दोनों उंगली से। उसके बाद फिर से स्टिकर पर क्लिक करता हूँ, फिर से प्लस पर करता हूँ, फिर से इस फोटो को लेता हूँ, फिर से इसको थोड़ा सा दोनों उंगली से खींच लेता हूँ मतलब छोटा करता हूँ, फिर से स्टिकर पर करता हूँ, फिर से प्लस पर करता हूँ, फिर से इसको करता हूँ। तो दोस्तों मैं एग्जांपल एक समझाया, आप ऐसे कितना भी फोटो अपने इंस्टाग्राम में लगा सकते हैं, इंस्टाग्राम के स्टोरी में लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर सेंड पर क्लिक कर देंगे। मैं तीन ही आपको दिखाया, आप चाहे तो 100-500 छोटा छोटा करके बहुत सारा फोटो आसानी से लगा सकते हैं। चौथा तरीका दोस्तों कि आप चैटिंग करते हैं इंस्टाग्राम में किसी से, तो आप उनसे अमेजिंग टाइप की चैटिंग कैसे कर सकते हैं, उससे इंटरेस्टिंग चैटिंग कैसे उनके पास सेंड कर सकते हैं और इंप्रेशन गेन कर सकते हैं। तो उसके लिए दोस्तों कैसे करना है, जैसे बैक आता हूँ करने के लिए सबसे ऊपर आप मैसेंजर पर क्लिक करेंगे, आप जिसे भी चैटिंग करते हैं जैसे इस बंदे से मैं कोई चैटिंग कर रहा हूँ दोस्तों, तो चैटिंग करने के बाद मैं इस पर क्या चैटिंग करता हूँ हाय ही मैं जो भी भेजता हूँ, जैसे नॉर्मल आप चैटिंग करते होंगे इंस्टाग्राम में ऐसे नॉर्मल तरीके से आप इसको भेजते होंगे दोस्तों। लेकिन नॉर्मल तरीके से भेजने से क्या होगा दोस्तों, कैसे आप भेज रहे हैं सिंपल से भेजते हैं तो इससे क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर तीन आपको उतना इंप्रेशन गेन नहीं होता है दोस्तों किसी के पास, वो भी नॉर्मल भेजता है आप भी नॉर्मल भेजते हैं। तो यहाँ पे तीन ऑप्शन मिलेगा, माइक का है, एक गैलरी का है, एक स्टिकर का, तो सिंपली स्टिकर पर आपको क्लिक कर देना है। स्टिकर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगा दोस्तों सेल्फी टाइप का, एक आदमी है दांत चिहरा हुआ है, उसका आँख में दो गो दिल है, तो उसका फिगर आ जाएगा दोस्तों। अब इस पर आपको सिंपली से क्लिक करना है, ये देखो दोस्तों बैकग्राउंड इसका चेंज हो चुका है। अब यहाँ पे हम ये देखिए दोस्तों मैंने इसका कुछ इस तरह का अपना इमोजी भेज दिया है इसके पास, तो सिंपली से आप भी इस तरह का इमोजी भेज सकते हैं किसी को। अब दोस्तों बात करते हैं चैटिंग का, तो चैटिंग आप कैसे कर सकते हैं जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया, तो चैटिंग के लिए जैसे आप कुछ भी चैटिंग करते हैं जैसे ही आपने किया ही, अब यहाँ पे ही लिखते देखिए दोस्तों यहाँ पे सर्च का एक ऑप्शन आएंगे, एक बार ध्यान दीजिएगा दोस्तों ये आपको फीचर एक जो अंतिम ये वाला फीचर चैटिंग वाला फीचर आपको तभी मिलेगा जब आपका जो इंस्टाग्राम का मोड है नॉर्मल में रहेगा, मतलब कंफर्ट नहीं रहेगा प्रोफेशनल अकाउंट में या बिजनेस अकाउंट में, मतलब आपका नॉर्मल में इंस्टाग्राम का अकाउंट रहना चाहिए इसको यूज करने के लिए बस, और सब बाकी आप यूज कर सकते हैं किसी भी। यहाँ पे देखिए ही लिखे तो यहाँ पे बगल में सर्च का एक आइकन आएगा, सिंपली सर्च आइकन पर क्लिक करेगा यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आएगा, देखिए ही को मैंने इसके किया, देखिए ही ऐसे चला गया, फिर मैंने कुछ किया फिर सर्च आइकन आ गया, फिर देखिए फिर यहाँ पे ये फायरल आ गया, फिर देखिए कुछ इस तरह का चला गया स्टिकर मतलब चैटिंग आपका, फिर कुछ किया। अब सबसे अमेजिंग मेरे को क्या लगा दोस्तों, फिर से मैंने वही सर्च पे किया, फिर से यहाँ पे देखिए ब्राइल मेगर बॉक्स का आइकन दिया हुआ है, तो इस पर मैं क्लिक कर दूंगा। अब दोस्तों जैसे उस बंदा पर क्लिक कर, जैसे वो बंदा इस बॉक्स पर क्लिक करेगा ये देखिए दोस्तों बॉक्स खुल गया। अब जैसे फिर से मैं दिखा दो, फिर से कुछ क्लिक किया, फिर जैसे सर्च का आइकन आ गया, फिर से यहाँ पे देखिए दोस्तों जैसे इस बॉक्स में मैं क्लिक, अब जैसे वो बंदा इस बॉक्स पे कल कह लेगा कह रही यार ये क्या चैटिंग भेजा है भाई, ये तो कुछ लिख ही नहीं था, जैसे उस बॉक्स पे क्लिक करेगा देखिए दोस्तों बॉक्स खुल गया और आपने जो भी लिखा है तो यहाँ पे लिखा हुआ उसको शो हो जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी से चैटिंग करके इंप्रेशन गेन कर सकते हैं दोस्तों। अब पांचवा दोस्तों आ देता हूँ कि इंस्टाग्राम के आप किसी का भी डीपी देख सकते हैं, उसका स्टोरी देख सकते हैं बिना उसको सीन करवाए हुए। तो सबसे पहले इसका सबसे पहला तरीका दोस्तों, मान लीजिए मेरे पास ये तीन लोग का स्टोरी लगा हुआ है, तीन लोग का, तो सबसे पहला स्मोकर बुआ है मेरे फोटो के बाद इसका, तो मैं इसका देखना चाहता हूँ तो उसके बाद वाला स्टोरी मैं ओपन करूँगा, जिसका देखना चाहता है उसके बाद वाला आप ओपन करें चाहे उसके पहले वाला कोई स्टोरी। अब इसका ओपन, अब दोस्तों क्या करूँगा इसकी स्टोरी को मैं थोड़ा सा धरूँगा, टच करूँगा इसकी स्क्रीन पर और यहाँ पे ऐसे कोना में ऐसे घुमा दूंगा दोस्तों, और यहाँ से इसका स्टोरी मैं देख सकते हूँ वैसे। तो सिंपली से आपको इस पर टच करना है और ऐसे हल्का से इसको मतलब इधर घुमा देना है, रोटेट कर देना, इसका स्टोरी आपको दिख जाएगा। पहला तरीके होगा दोस्तों, और दूसरा दोस्तों अगर किसी का भी स्टोरी देखना चाहते हैं, डीपी देखना चाहते हैं बिना उसको शो कराए, उसका स्टोरी डाउनलोड करना चाहते हैं, तो सिंपली से आप जाएंगे क्रोमो में जाकर आपको लिखना है instadp.com, जब मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे क्रोमो में जाना है आपको, लिखना है INSTA
insta.dp.com आपको टाइप करना है। उसके बाद उस बंदे का जो URL है, उस बंदे का जो यूजर नेम है, आपको यहाँ पे पहले वाला लिंक पर आपको क्लिक करना है। URL यहाँ पे सर्च यूजर नेम है, वहाँ पे सर्च करना है। उसके बाद उसका स्टोरी DP आप कुछ भी देख सकते हैं, अपने गैलरी में डाउनलोड कर सकते हैं। अब दोस्तों पांचवा आ जाता है, आप इंस्टाग्राम के फॉलोअर को कैसे बढ़ाएं। तो दोस्तों सबसे अंतिम ट्रिक है कि इंस्टाग्राम का फॉलोअर कैसे बढ़ाएं। तो दोस्तों इंस्टाग्राम के फॉलोअर बढ़ाने के लिए बहुत सारे प्ले स्टोर पे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, बहुत सारी वेबसाइट है जहाँ से आपका इंस्टाग्राम का फॉलोअर बढ़ सकता है और आपका इंस्टाग्राम अकाउंट का धजिया उड़ सकता है। साफ साफ मैं बोल रहा हूँ। तो दोस्तों इंस्टाग्राम का फॉलोअर बढ़ाने के लिए आज के टाइम में रील बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप इंस्टाग्राम पर बहुत ज़्यादा रील बनाइए, जो रील वायरल हो रही है उसके साथ ड्यूट कीजिए। और दोस्तों रील वीडियो बना लीजिए, अगर आपका रील वीडियो वायरल नहीं हो रहा है तो आप क्या करेंगे। तो दोस्तों अगला जो नेक्स्ट वीडियो है मैं उसी पर बनाने वाला हूँ कि आप अपने इंस्टाग्राम का जो रील वीडियो है उसको वायरल कैसे करें। इंस्टाग्राम का फॉलोअर बढ़ाना है तो कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का हेल्प मत लीजिए और कोई भी वेबसाइट पे मत लीजिए, नहीं तो आपका अकाउंट हैक हो सकता है, आपका अकाउंट बाद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है आगे जाकर। तो उसके लिए सबसे पहले आपको रील वीडियो पर फोकस कीजिए। आजकल बहुत ज़्यादा रील ट्रेंडिंग में चल रहा है, बहुत ज़्यादा रील इंस्टाग्राम रील को रीच दे रहा है अपने रील वीडियो को। तो रील वीडियो आप बनाते रहिए दोस्तों, और नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि रील वीडियो को आपको वायरल कैसे करना है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद नहीं होगी। नहीं मिलते हैं एक बार न्यू वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।